गुड मॉर्निंग। अपन पढ़ रहे थे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में अपन ने प्रश्नावली 3.1 3.2 कर ली थी। आज है प्रश्नावली 3.3 प्रश्न नंबर 1। किस चतुर्थांश में किसे क्या क्या बनाओ।
original garment. Minus 8, minus 0, minus 3, minus 4, minus 5, minus 7. इधर प्लस के एक दो तीन चार पांच छः सात आठ इधर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पांच माइनस छः माइनस सात ये अपना एक्स एक्स है ये वाई एक्स चार चतुर्थांश कल अपने देखे थे ये प्रथम ये द्वितीय ये तृतीय और ये चतुर्थ इन चतुर्थांशों में इसमें एक्स का मान भी प्लस और वाई का भी प्लस इसमें एक्स का मान माइनस और वाई का प्लस इसमें एक्स का भी माइनस और वाई का भी माइनस अब इसमें एक्स का प्लस और वाई का माइनस अब ये अपना अपन ने पैमाना मान लिया क्या पैमाना मान लिया कि एक बड़े खाने बराबर एक इकाई पैमाना एक बड़े खाने बराबर एक इकाई एक बड़े खाने बराबर एक इकाई मानकर अपन इन बिंदुओं का निर्धारण कर लेंगे अपने ग्राफ पेपर को चार चतुर्थांश में बांट लेंगे और इधर x का मान प्लस x x पर बाईं तरफ माइनस y का मान ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्लस और नीचे माइनस इस तरह से करने के पश्चात अपन उन बिंदुओं का निर्धारण कर देंगे कि वो कहाँ स्थित होंगे जैसे पहला है अपना माइनस दो और चार पहला क्या है माइनस दो और चार इस हमेशा पहले एक्स का मान आता है फिर आता है वाई तो मालूम हो गई आपने दो बारी माइनस कर दिया इसका हाँ अब माइनस दो और चार तो एक्स का मान है माइनस दो और वाई का है चार तो एक्स का मान माइनस दो यहां और वाई का मान चार एक्स का मान माइनस दो इधर है और वाई का चार कहाँ आएगा इस स्थिति में यहाँ इससे यहाँ यहाँ जो बिंदु आएगा ये बिंदु क्या है माइनस दो और ये बिंदु कौन सा आया इसको अपन देखें ये बिंदु आया आपका माइनस दो और चार अपने को पता है कि एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस इस चतुर्थांश में
तीनों ने ये अपने को बताना कि ये कहाँ स्थित है, दोनों एक्स का मान और वाई का मान दोनों मान प्लस में है तो दोनों की आपकी शतरांश में होंगे, प्रथम शतरांश में होंगे। यहाँ एक्स का मान थी प्लस और वाई का मान ए, ये तीनों ये यहाँ इससे यूं ये बिंदु क्या आया अपना तीन और एक। अब है माइनस एक को जीरो माइनस एक और जीरो माइनस एक एक्स का मान क्या है माइनस एक वाई का मान क्या है जीरो। तो माइनस एक और जीरो कहां स्थित होगा ये यहां स्थित माइनस एक आगे एक्स का मान वाई का मान जीरो ही है तो एक्स एक्स पर क्या होता है वाई का मान जीरो ये नहीं आ गया माइनस एक और एक्स एक्स पर स्थित है माइनस एक और जीरो। अब एक और दो एक्स का मान एक और वाई का मान दो दोनों मान प्लस के हैं तो किस शतरंज में आएंगे इसमें तो एक एक्स का मान ये वाई का मान दो इससे सीधा और दो से यह है ना ये क्या आ गया अपना एक्स का एक और वाई का दो एक और दो। अब अपने को माइनस तीन और माइनस पांच इनको दर्शाना तो माइनस तीन और माइनस पांच दोनों माइनस तो ये कौन से चतुर्थांश में होंगे इसमें हम क्यों इसमें एक्स का मान भी प्लस माइनस आता है और वाई का मान भी माइनस आता है इसलिए इसमें होंगे तो ये तो माइनस तीन और ये माइनस पांच माइनस तीन से तो और ये माइनस ये बिंदु क्या आया माइनस तीन और माइनस पांच इस तरह से अपन इस कार्तीय तल पर इन बिंदुओं का निर्धारण कर सकते हैं। पहला अब दूसरा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर कोई दिक्कत नहीं अब अभ्यास 3.3 है
विद्युत एकक लेकर नीचे पानी में दिए गए बिंदु में दिए गए यानी 10 का 1/4 2.5
यानी ए के आगे कितनी लाइन लेंगे बड़े, दो बोलते पांच, ये जहां आए वही ये बिंदु होगा। एक्स्ट्रा मान तो क्या है जीरो, तो जीरो तो यही आया, क्यों ये मूल बिंदु पर ही है और ये बिंदु आ गया अपना क्या आया जीरो और माइनस ए पॉइंट दो। ये ध्यान रखना क्यों एक और दो के मध्य दस छोटे कण हैं, तो पॉइंट पच्चीस के कितने हिस्से में आए ढाई, दो पॉइंट पांच, तो अपन ने ढाई खाने जहां आए वहां बता दिया और वो बिंदु होगा जीरो और माइनस ए पॉइंट दो पांच। एक और तीन, एक मान एक्स का वाई का तीन, ये यहां ये तीन और एक ये आ गए, ये जो बिंदु है ये होगा तीन और तीन, तीन और माइनस एक तीन और माइनस एक, ये तीन यहां ना और माइनस एक यहां, ये बिंदु आ गया अपना तीन और माइनस। इस तरह से अपन इन बिंदुओं को आलेखित करते हैं, तो हमें इस तरह से कर देना चाहिए।